हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एकदम कम लागत में, कम इन्वेस्ट के अंदर आप अपना खुद का एक ऑटोमेटिक सॉफ्ट ड्रिंक का फैक्ट्री डाल सकते हो। दोस्तों, 2022 की लेटेस्ट मॉडल डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी की सेंसर सिस्टम वाली ऑटोमेटिक सॉफ्ट ड्रिंक मेकिंग मशीन, ये मशीन के अंदर से आप सॉफ्ट ड्रिंक से जैसे जीरा मसाला, ऑरेंज फ्रूट बियर, माजा, डिफरेंट 40 तरह का फ्लेवर सॉफ्ट ड्रिंक वाला, सोडा वाला निकाल सकते हो। सादा सोडा निकलना है, किनली लहर टाइप का बिस्लेरी सोडा निकालना है तो भी निकाल सकते हो। मिनरल वाटर भरना है, अगर आपको पानी का बोतल भरना है, बिस्लेरी किनली उस टाइप का पानी का बोतल भरना है तो भी ये प्लांट में भर सकते हैं। मैंगो, माजा, फ्रूटी, लीची जैसा जूस फील करना है तो भी आप ये मशीन में भर सकते हो। टू हेड की मशीन है, दो हेड की मशीन है दोस्तों, और इस टाइप का दोस्तों एक घंटे में 1000 से 1200 बोतल का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हो मशीन के अंदर। पूरी मशीन वन यूनिट वन सेटअप प्लस सेंसिंग सिस्टम वाली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर आपको सोडा अलग फील करना है, सिरप अलग फील करना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक ही हेड में से सोडा और सिरप दोनों निकलने वाला है, आपको खाली बोतल यहाँ पे लगा देना है। तो ये मशीन की पूरी डिटेल जानकारी और एक प्रोडक्ट कितने में गिरता है बाजार में, कितने में सेल होता है, एक बोतल पे कितना प्रॉफिट है, रोजाना ये मशीन लगा के कितना प्रॉफिट कर सकते हो, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। चलिए दोस्तों, टाइम गवाए बिना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। ये मशीन के अंदर दोस्तों आप इस टाइप का सॉफ्ट ड्रिंक बना सकते हो, 20 ml से लेके 3 लीटर तक का बोतल फिल कर सकते हो। पूरी मशीन टच स्क्रीन वाली है, डिस्प्ले वाली है दोस्तों। कितना ml आपको फिल करना है यहाँ पे आप सेट करके हेड पे बना सकते हो। 200 ml फिल करना है, 600 ml फिल करना है, लीटर फिल करना है, 1.25 लीटर फिल करना है, 2.25 लीटर फिल करना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। प्लस डिस्प्ले में आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपको ऑरेंज का सॉफ्ट ड्रिंक निकालना है या ओनली प्लेन सादा सोडा निकालना है या ओनली खाली पानी निकालना है। जो भी आप सेट करेंगे डिस्प्ले के अंदर वो हेड के अंदर से निकलेगा दोस्तों। जैसे कि दो हेड की मशीन है तो एक में आप जीरा मसाला या ऑरेंज फिल कर रहे हो तो दूसरे में आपको अगर मैंगो, माजा, फ्रूटी जैसा ड्रिंक सेल भरना है आपको तो यहाँ पे आप मैंगो, माजा, फ्रूटी कर सकते हो। एक मशीन के अंदर दो अलग अलग आदमी उसका काम कर सकते हो। जैसे कि एक आदमी यहाँ पे ऑरेंज का फ्लेवर भर रहा है तो दूसरा आदमी यहाँ पे माजा का, मैंगो का फ्लेवर भर सकता है। एक बोतल बनाने का खर्चा, जो अभी मार्केट में पॉपुलर बोतल चल रहा है 200 ml से 250 ml का बोतल है, मार्केट में पॉपुलर चल रहा है दोस्तों, ये बोतल बनाने का खर्चा आपको 4.5 से 5 रुपए में गिरता है। अगर आपके वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बोतल ढक्कन स्टिकर अवेलेबल है तो आपको 4.5 में गिरेगा। अगर आपके वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है या दूरी से मंगाते हो दोस्तों, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर से कहीं से आप ट्रांसपोर्टिंग करते हो तो ट्रांसपोर्ट किराया मिला के आपको एक बोतल कंप्लीट 5 रुपए में गिरेगा दोस्तों। जैसे कि खाली बोतल रहते हैं वो 3 रुपए 20 पैसे का बोतल और ढक्कन के साथ में मिलता है दोस्तों, 80 पैसे का इसके अंदर रॉ मटेरियल जाता है बेस्ट क्वालिटी का प्योर शुगर से, 35 पैसे का इसका स्टिकरिंग है, लेबर लगता है दोस्तों, और बाकी का 25-30 पैसा मेंटेनेंस और लेबर लगता है इसके अंदर। इसलिए टोटली मिला के आपको 5 रुपए में एक बोतल घर में पड़ता है, बाजार में आसानी से 10 रुपए में रिटेल ड्रिंक के लिए पिया जाता है। आप आसानी से होलसेल में इसको 8 रुपए का एक बोतल बना के बाजार में होलसेल में सेल कर सकते हो। जो रिटेलर 10 रुपए का बेचते हैं उसको आप 8 रुपए का दे सकते हैं। मशीन की कैपेसिटी 1200 बोतल की, अगर आप एक घंटे में 1000 बोतल भी निकालते हो, 10 घंटे में 10000 बोतल निकालते हो तो एक बोतल पे आपको रोजाना, एक दिन में आपको रोजाना 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस करके दोस्तों। प्लस ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, ग्रो पला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। ये प्लान लगा के दोस्तों आप बिजनेस ग्रो अप कर सकते हो अपने एरिया में, अपने मार्केट में, आसपास के काउंटर में स्टार्टिंगली सेल करो, फिर अपने पूरे गांव में सेल करो, आसपास के गांव में सेल करो, आसपास के शहरों में सेल करो दोस्तों, आसपास के डिस्ट्रिक्ट, आसपास के स्टेट में। आप इसको ग्रो अप करके कितना फैलना है वो आपको मेहनत है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना है बिजनेस को फैलाना है दोस्तों। इस टाइप की ऑटोमेटिक मशीन लेके दोस्तों आप अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन की का खासियत बता दूं दोस्तों, मशीन वन यूनिट वन सेटअप है, डबल कूलिंग सिस्टम वाली, डबल चिल्लर सिस्टम, प्लस यहाँ पे टच डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी बोतल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम दूसरा बोतल आपके सामने फिलअप करेंगे मशीन में से। ये देखिए, यहाँ से सोडा निकल रहा है, यहाँ से सिरप, क्योंकि यहाँ पे सेंसर के बीच में आ गया था इसके अंदर। अभी हम ये बोतल लगाने वाले हैं, खाली बोतल है दोस्तों, ये बोतल हम यहाँ पे लगाएंगे। आपको बटन दबाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिप गिरेगा। आप देखिए, वो पहले सोडा गिर रहा है, फिर आपने जो फ्लेवर इसमें फिल किया है ऑरेंज का, तो फ्लेवर गिर रहा है। जब देखिए ऑरेंज का फ्लेवर गिर रहा है, उसके बाद आपको ये बोतल को निकाल देना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कैपिंग है, ये ढक्कन जो रहता है यहाँ पे आपको कैपिंग करना है यहाँ से। ये ढक्कन का कैपिंग मशीन है, मशीन चालू हो जाएगा इससे, स्विच करने से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, ये आपका बोतल हो गया तैयार।
इसको स्टिकर लगा के अपनी ब्रांडिंग का 24 पीस का पैकेट बना के बाजार में सेल करिए। कोई इजी वर्क है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। नया आदमी, नया वर्कर भी ये बिजनेस ये मशीन लेके कर सकता है, क्योंकि वन टाइम ही सेट करना है डिस्प्ले में कि आपको आज पूरे दिन में कौन सा जॉब लेना है। अगर आपको डेली यही जॉब लेना है तो डेली सेट भी करने का जरूरत नहीं है। एक बार सेट करेंगे, एक महीने तक आपको सेटिंग वही का वही रहेगा दोस्तों। दूसरे मैं आपको इसमें से भर के दिखा दूं, एक आदमी यहाँ पे उसका काम करेगा, दूसरा आदमी यहाँ पे उसका काम करेगा। ये पूरी सेंसिंग पे वर्क करने वाली। अगर बाई चांस कभी सेंसिंग वर्क नहीं करता है आपको, तो उसके लिए यहाँ पे बटन भी दिया हमने। ये बटन आप दबा के भी आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले सोडा गिर रहा है, उसके बाद सिरप गिर रहा है। अभी एग्जाम्पल तौर पे आपको इसमें से सिरप नहीं निकालना है, ओनली सादा सोडा ही फील करना है इसके अंदर। तो अभी हम इसमें से सादा सोडा फील करेंगे। यहाँ से ये सिरप को जीरो कर देंगे, ये सिरप होगी अपना बंद। अभी इसके अंदर से सिरप नहीं निकलेगा, अभी ओनली बूस्टर सोडा निकलेगा, किनली लहर टाइप का। आप देख सकते हैं अभी हम बोतल लगा रहे हैं इसका। आप देखिए बोतल लगा है इसमें, ये देखिए सोडा निकल रहा है इसमें से। अभी इसमें से सिरप नहीं निकलने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सोडा निकला है इसका। बाकी का जो सिरप का क्वांटिटी, वो सिरप नहीं निकला इसमें से, ओनली प्लेन सादा सोडा। क्योंकि डिस्प्ले को हमने मना कर दिया है, सिरप बंद कर दिया है उसके अंदर से। अभी ये मशीन के अंदर भी हमने सिरप बंद कर दिया, ओनली सोडा निकलेगा इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्लेन सोडा ही गिर रहा है इसमें से, सिरप नहीं गिरेगा इसमें से। अब देखिए ये पूरा सोडा भर चुका है। अभी इसका हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ये पूरा बोतल भी भर सकता है। अभी ये क्वांटिटी कम है, अभी इसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो पूरा बोतल भरेगा। अभी इसका ढक्कन भी हम लगा देते हैं आपके सामने। ये कैपिंग का बाउल है, यहाँ से कैपिंग उठाना है आपको, ये कैपिंग लग जाएगा इसे। ये आपका ढक्कन लग चुका है, इसको स्टिकर लगाओ बूस्टर सोडा का, बाजार में आसानी से सेल कर सकते हो दोस्तों। इस टाइप का आपको कितना ml सेट करना है ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब बटन दिखाया है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल तौर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका सोडा गिरेगा तो यहाँ पे लाइट होगा, सिरप गिरेगा तो यहाँ पे लाइट होगा। जैसे कि भी मैं इसमें सेंसर से चालू कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे सेंसर लगा है। पहले सोडा गिरा मतलब लाइट हुआ सोडा का, सोडा पूरा हो चुकेगा इसलिए सिरप गिरेगा, उसका लाइट होगा यहाँ पे। अब देखिए सिरप गिर रहा है, इसका लाइट हुआ। दोनों कंप्रेसर अलग अलग, डेढ़ डेढ़ टन का, 1.5 टन का दो कूलिंग सिस्टम डाला है, जिसका टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। एक का -2 का है, एक का 28 का है, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर शो करता है। यहाँ पे एम्पियर दिखा रहा है, मशीन कितना पावर खाती है, ऊपर से कितना वोल्टेज आता है और आपकी मशीन कितना एम्पियर उठाती है। 0.9 एम्पियर आपकी मशीन एम्पियर उठाती है यहाँ पे, ये डिस्प्ले शो करता है। दोनों कैपिंग मशीन का बटन है यहाँ पे, ये बटन स्टार्ट करने से कैपिंग ढक्कन लगने का स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा कैपिंग है, इसका ढक्कन लगने से स्टार्ट हो जाएगा। 1.5 टन का दो कूलिंग सिस्टम आउटडोर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटडोर है, यहाँ पे आउटडोर है और पूरा बर्फ जमा हुआ है इसके अंदर। देखिए पूरा आइस जमा है, पूरी लाइनिंग में आइस आ चुका है। देखिए दोस्तों ये पूरा आइस है, बर्फ है, ये देख सकते हैं पूरा बर्फ है। और दोनों अलग अलग टैंक है, ऊपर का स्टोर टैंक है, नीचे का ऑनलाइन चिलर है। आपका जो पानी का मेन टंकी आएगा, सबसे पहले 100 लीटर का जो चिलर ऑनलाइन, जब ये अपना चिलर टैंक है, इसका स्टोरेज टैंक है, इसके अंदर सबसे पहले ठंडा होना जाएगा, फिर दोबारा ठंडा होने नीचे ऑनलाइन चिलर में जाएगा। क्योंकि सोडा जितना चिलर ठंडा होगा उतना पावर क्वालिटी बूस्टिंग सिस्टम ज्यादा होगा, इसलिए कूलिंग सिस्टम इसको देना जरूरी है दोस्तों। बिना कूलिंग के सोडा का क्वालिटी नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन का बिजनेस करने के लिए इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल है। अगर आपका बजट कम है तो सेमी ऑटोमेटिक में जा सकते हो, उसका बजट ज्यादा है तो सेंसर सिस्टम में जा सकते हो, उससे भी और बजट ज्यादा है तो रोटरी प्लांट में भी जा सकते हो दोस्तों। डॉल्फिन एप्लायंस कंपनी के पास मैक्सिमम 30 से 35 अलग अलग मॉडल्स है सोडा बोतल फिलिंग प्लांट में। ये सेमी ऑटोमेटिक है, 1+2+2 का मशीन है। पहले सोडा फिल करो, सिरप फिल करो, ढक्कन फिल करो। जैसे हमने सेंसर वाली में बताया कि एक ही में आपको लगाना है सोडा सिरप, एक ही में से निकलना है आपको, पहले सोडा नहीं भरना है, पहले सिरप नहीं भरना है। ये टाइमिंग सिस्टम है, यहाँ पे पीएलसी प्रोग्रामिंग सिस्टम डाला है डेल्टा कंपनी का दोस्तों। तो ये सब चीज खासियत रहता है मशीनों की, ज्यादा इसके अंदर क्वालिटी के लिए सब चीज ऐड करना पड़ता है, इसके अंदर सिस्टम डालना पड़ता है, उसकी वजह से आपका एक ब्रांड चलता है। इसके अंदर एक क्वालिटी मिलता है, स्ट्रांगनेस मिलता है, एक मेजरमेंट मिलता है कि आपको ml में कभी फर्क नहीं आता है, अप डाउन ml नहीं होता। मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। मशीन की प्राइस क्या, मशीन की डिटेल क्या है, मशीन में क्या क्या फंक्शन है, कितना प्रोडक्शन, क्या कैपेसिटी होता है, मशीन के साथ कौन सी एसेसरीज फ्री में मिलती है और कौन सा मॉडल आपको सिलेक्शन करना है, तो हर एक डिटेल जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।